हाँ जी भाई, पंजाब सरकार ने SSA रामसा आदर्श मॉडल स्कूलों के 88-86 टीचर तनखाहों में कटौती की है। कल सिक्ख्या मंत्री ते सिक्ख्या सकत्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि इन अध्यापकों जो पंजाब रूल बनया होया है मुंडली बेसिक पे से 3 साल नौकरी करनी पेगी। पर असी पूछना चाहते हैं कि वो जोड़ा रूल है 15-1-15 का नोटिफिकेशन हैगा है, वो सिर्फ सीधी डायरैक्ट भर्ती से लागू होंगे है, ना कि जोड़े पिछले 10-10 साल तो जोड़े टीचर विभाग में काम कर रहे हैं उन्होंने लागू होंगे है। दूसरी गल जी हैगी 15-1-15 के नोटिफिकेशन तो पंजाब सरकार ने 24-4-2016 राही डॉक्टर छोड़ दे के उन्होंने पूरी तनखाह से रेगुलर किया होया है। 4 मार्च 2013 MHRD के अंडर सैकटरी रजिंद्र प्रसाद ने उस समय के DGSC कान सिंह पन्नू एक लैटर लिखा होया है जिसे स्पष्ट दसिया होया कि स्टेट काडर तुम गलती की है, कोई सैपरेट काडर नहीं बना सकते, SSA रामसा सिर्फ फंडिंग सिस्टम है। उस तो बाद उन्होंने एक होर लैटर जारी की हैगी 2014 भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिखाई पंजाब सरकार कि गलती सोध के इन्हों विभाग में लिया जाए। पर पंजाब सरकार अध्यापक मारू फैसले करके पंजाब के अध्यापकों पंजाब की सिक्ख्या बंद करना चाहती, सरकारी स्कूलों बंद करना चाहती है। कि असं पंजाब सरकार को चैलेंज करते हैं कि असी आपकी तनखाह में एक नौरे वाले पैसे की भी कटौती नहीं हो देवे। अज असी पंजाब सरकार के इस रोस वजों पंजाब सरकार के कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिक्ख्या मंत्री के वित्त मंत्री के सिक्ख्या सकत्तर के रामन रूपी पुतले बना के उन्हों का दाहन कर लगे हुए हैं। पंजाब दियां सारियां मुलाजम अध्यापक जथेबंदियां किसान जथेबंदियां स्टूडेंट जथेबंदियां रल के मोती महल का घराओ करांगे ते असी संघर्ष नूं रोजाना तिखा करते जावांगे। मरन